देखिए मित्रों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो कुछ प्रॉब्लम्स वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। हम आगे पढ़ाते हैं। श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है। जैसे कि इसमें कुछ दिया गया है, पढ़ाने के लिए नियम बताए गए हैं। जैसे कि श्यामपट्ट के बाएँ खड़े हों, अगर आपके ये श्यामपट्ट है, व्हाइट बोर्ड है वे, अगर ये श्यामपट्ट है तो आप इसके बाएँ खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएं। 45 डिग्री का कोण बनाए, श्यामपट्ट और जो पढ़ा रहा है उसके बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। मध्य में लिखें, ये श्यामपट्ट के आप बीच में लिख रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो अगर आप इस तरफ खड़े हैं, अगर यही लिखेंगे तो बच्चों को दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से। इसलिए कोई भी व्याख्यान दे या कुछ लिखें तो आप बीच में ही लिखें। विविध रंगों का प्रयोग करें, आप जो है विविध रंगों का प्रयोग करें। पढ़ाते समय या लिखते समय आप अनेक रंगों का प्रयोग करेंगे, इसमें स्पष्टता नजर आएगी, हर चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी, तो कंसंट्रेट जो है बच्चे और अच्छे तरीके से होते हैं। ऊपर से नीचे मिटाएं, आप कोई भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप ऊपर से नीचे पढ़ाइए, सॉरी आप ऊपर से नीचे मिटाइए ताकि बच्चे आसानी से उसे लिख सकें, नोट डाउन कर सकें। लेखन में स्पष्टता हो, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिखें ताकि बच्चों को समझ आए और स्पष्टता रूप से उन्हें उसे लिख पाए, ताकि उनको कोई परेशानियाँ ना हो। दो शब्दों के रिक्त स्थानों, मतलब दो शब्दों के बीच में, यहाँ सॉरी बीच में होना चाहिए, बीच में रिक्त स्थान होना चाहिए। हम देखिए, मैं कोई भी शब्द लिखाऊँ उसमें दो शब्दों के बीच में रिक्त स्थान इतना पर्याप्त है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सेम ऐसी ही पद्धति आपको बच्चों को पढ़ाते समय होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल के अंतर्गत कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द, जैसे कि बच्चों को कभी कभी कठिन शब्द समझ नहीं आते हैं, तो उनके लिए आप उस शब्दों के स्थान पर कोई और शब्द का प्रयोग कीजिए ताकि उस शब्द को उनको आसानी से समझ में आए। दूसरा नंबर है उदाहरण का प्रयोग करें, कोई भी व्याख्यान लिखते समय उदाहरण का प्रयोग करें, मतलब आप बच्चों को बस समझाते समय आप उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, और अच्छे उदाहरण का प्रयोग करें ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। बच्चे की स्थानीय भाषा का प्रयोग, मतलब बच्चा अगर जिस जगह पे है, अगर उसका जो मातृभाषा है उस चीज़ का प्रयोग होना चाहिए ताकि वो बच्चा आसानी से समझ सके। नहीं तो बच्चा पढ़ रहा है भोजपुरी में, आप पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में, तो बच्चे बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अगर उसकी मातृभाषा अवधि है, आप पढ़ा के गुजराती में, तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो आप इससे अच्छा है कि आप उसकी मातृभाषा में ही उसे पढ़ाएं, पूर्व ज्ञान से जोड़ें। बच्चा जितना जानता है पहले उस चीज़ को समझें कि वो जानता क्या है। अगर वो चिड़िया के बारे में जानता है तो आप चिड़िया से ही आगे आप उसे बता सकते हैं। वो पंछी के बारे में नहीं जानता, पंछी शब्द उसके लिए कठिन है, तो आप वो चिड़िया जानता है तो उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करें, उसे बताएं बढ़िया से।